और उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए नए रोजगार आयोग के गठन पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री नए रोजगार आयोग के अध्यक्ष हो सकते हैं, जबकि मुख्य सचिव स्तर का अधिकारी रोजगार आयुक्त का पद उन्हें दिया जा सकता है। स्थायी रोजगार आयोग के अधीन रोजगार प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास, कौशल विकास समेत कई विभाग होंगे। तो सरकार एक नया आयोग बना सकती है, उसके गठन पर विचार चल रहा है। उप मुख्यमंत्री को बनाया जा सकता है उसका अध्यक्ष। नया आयोग बनेगा तो क्या रोजगार मिलेगा, यह सवाल है। स्थायी रोजगार आयोग के गठन पर फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार विचार कर रही है। उप मुख्यमंत्री को स्थायी रोजगार आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। स्थायी रोजगार आयोग के अधीन कई विभागों को रखा जाएगा और मुख्य सचिव के कद का कोई अधिकारी रोजगार आयुक्त के पद पर बैठाया जाएगा। रोजगार प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास, कौशल सुधार समेत कई विभाग इस आयोग के अधीन रखे जाएंगे। हर घर में कम से कम एक युवा को नौकरी देने का लक्ष्य सरकार की तरफ से निर्धारित किया गया है। अगर यह आयोग बनाया जा रहा है तो इसके पीछे सोच यह है कि प्रत्येक घर से कम एक व्यक्ति ऐसा हो जिसके पास रोजगार हो। और हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, लक्ष्य यही हर घर में कम से कम एक व्यक्ति ऐसा हो जिसके पास नौकरी हो, किस तरह की सोच इस वक्त है और क्या क्या तैयारियां अभी तक आपको दिखती हैं? देखिए राममोहन, यदि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि यूपीए सरकार के समय में मनरेगा लाया गया था और मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार जो गरीबों को देने की बात यहाँ पर की गई थी, उसी के तहत ये कहा जाए कि जो मौजूदा सरकार है उसकी एक नीति है, उस नीति के तहत वो रोजगार आयोग करने की गठन यहाँ पर करने की जा रही है, जिसमें सीधे तौर पे सरकारी, गैर सरकारी, उसके अलावा जो आपके जो भी कामगार हों या आप खुद ही आप किस तरीके से उद्योग लगाएं, इन सभी चीज़ों को जोड़ते हुए ये एक रोजगार आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमें हर एक घर में एक आदमी को यहाँ पर रोजगार मिले। उप मुख्यमंत्री की इसकी अध्यक्षता दी जाएगी। रोजगार जो आयुक्त होगा वो यहाँ पर रोजगार आयोग को यहाँ पर रिपोर्ट करेगा। जो भी यहाँ पर जानकारी यदि रहेगी, हर एक पहलू की जानकारी यहाँ पर, उसके अलावा जो आंकड़े हैं उन सभी आंकड़ों को यहाँ पर इकट्ठा किया जाएगा कि आखिर में कितने लोग हैं, कैसे लोग, कितने लोगों के पास रोजगार नहीं है, उन सभी चीज़ों का आंकड़ा यहाँ पर रोजगार आयोग के पास दिया जाएगा। और उसमें जो हर एक घर को यहाँ पर नौकरी देने की बात यहाँ की जा रही है, और ये जो पूरा का पूरा आयोग का गठन जो जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा जो चुनाव है उसके पहले यहाँ पर इसको गठित किया जा सकता है, उसके पहले इसको लाया जा सकता है। तो हर एक जो युवा है, हर एक जो यहाँ पे काम करने वाला जो आदमी है, उसको यहाँ पे कहीं सीधे तौर पे रोजगार प्रदान किया जा सके, उसके लिए योगी सरकार ये रोजगार आयोग का गठन कर सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल मिश्रा आपका इस अपडेट के लिए, इस जानकारी को विस्तार से समझाने के लिए।